hello children today we are going to start the 24th lesson functioning of the state government this lesson is also about the state government we know that uh, government the state government collects revenue from the citizen as tax we all are paying the tax and uh, for what purpose they are using this tax you know this uh, tax they are uh, using for the uh, welfare activities of the people and uh, the uh, government is providing public service and to meet um, other needs of the public this tax this money we are uh, giving this money as tax to the government and the government using this money for the public welfare and the uh, different needs are there we know that many needs are there according to the priority of the uh, needs government will decide where it should use. ओके गवर्नमेंट डिसाइड टू अलोकेट बजट फॉर ईच आइटम ऑन द प्रायोरिटी कहाँ पे यूज़ करना उसकी प्रायोरिटी का इस इम्पोर्टेंस के हिसाब से उन लोग ये जो अमाउंट हमसे कलेक्ट करते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के लिए पीपल के लिए यूज़ करते हैं ओके एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीन्स सम इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा करना है करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है ओके सम इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर अचीविंग सोशियो एकोमिकल डेवलपमेंट दिस इज द एम द दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज़ दैट टू क्रिएट सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन अंडर विच द सिटीजन कैन लीड ए गुड लाइफ स्टेट गवर्नमेंट की सिटीजन एक गुड लाइफ जीने के लिए सोशल एकनॉमिक कंडीशन उस उसके हिसाब से सोशल एकोनॉमिक कंडीशन क्रिएट करना ये एम एंड वी नो दैट अबाउट द थ्री लिस्ट इन इन प्रीवियस चैप्टर वी लर्न अबाउट द थ्री लिस्ट स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन द स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द लॉ एंड इन द यूनियन लिस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक्स द लॉ ऑन द सब्जेक्ट इनलिस्टेड इन द कंकर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक लॉस सो इट इज़ डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट को लॉ मेकिंग का परमिशन दिया है और कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखा है इसका रीज़न यही है स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन होने के लिए ओके इट इज़ फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन and the state government works on the guideline termed as directive principles of state policy. so state government, um, here directive principles of state policy, mein jo guideline dia, hi administration karna hai. Hi, uh, they have to make the laws policies. and policies. then the government has to ensure social welfare. and the state has three branches. we know that executive, ब्रांच लेट ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच ऑल द ब्रांचेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो द सेट प्रोसीजर आज मेंशन इन द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया उस हिसाब से ही जाना चाहिए ओके Uh, so uh, now we are going to see some some of the directive principles of state policy I mean, directive principles means uh, some instruction given to the uh, state government for uh, achieving um, socio economic development so uh, some examples we are going uh, some uh, principles we are going to see first one to secure to all the citizen adequate means of livelihood The first डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यही है एक स्टेट में रहने वाला सभी को प्रॉपर सफिशंस लाइवलीहुड देना है उसको प्रॉपर सिक्योरिटी देना है एंड सेकेंड इज दैट टू हैव फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड मेटीरियल रिसोर्स एमंग ऑल क्लासेस सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है वेल्थ एंड मेटीरियल रिसोर्सेस

टू राइज द लेवल ऑफ़ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मींस कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट में सभी को देना है एंड प्रॉपर वे में हेल्थ डिपार्टमेंट वर्क करना है प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका उनकी लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का लेवल रेज करना है यह सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया है एंड टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बैंड्री टू सिक्योर द रइट टू वर्क एजुकेशन एंड पब्लिक असिसटेंस टू द अनएम्प्लॉयड एज्ड एंड डिससेबलड मींस रईट टू वर्क एजुकेशन एज अब प्रॉपर वे में देना है एंड अनए्लॉयड एजडेबल्ड पीपल को पर्सन को Um, उसको जो भी ज़रूरत है हो देना है एंड प्रोवाइड मेटर्निटी रिलीफ टू वर्किंग वुमन टू प्रोटेक्ट मोनमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल एंड नेशनल इंपॉर्टेंस मीन्स जो मोनामेंट्स हैं स्टेट में होंगे कुछ मोनमेंट्स मोनमेंट्स जो स्टेट में उसको प्रॉपर वे में प्रोटेक्ट करना है एंड सेफ गार्ड एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स उनका जो भी इंटरेस्ट है जैसे इकोनॉमिक एंड एजुकेशन से रिलेटेड इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना एंड प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी दीज आर द सम ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मीन्स ये सब चीज़ में स्टेट ऐसा ही करना है ये ऐसा कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है स्टेट को ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी